Hi everyone, welcome to VRN Public School. I hope you are in free form. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, I am going to discuss about question number 4. Exercise 10.2. Question 4 is, how many minutes have passed if the minute hand has moved from क्वेश्चन ए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, आज मैं बताऊंगा क्वेश्चन बी से, क्लियर? ए हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन बी से आज हम लोग करेंगे। मिनट बोला है क्वेश्चन बी में, अगर 4 to 9 जाता है, 4 to 9 तो कितने मिनट्स का गैपिंग होगा? पहले आप लोग इसको ट्राई करिए, या किए होंगे लोग, जरूर किए होंगे, होमवर्क दिए तो ठीक है। तो अब इसको मैं क्लेरिफाई करा रहा हूं कि कैसे क्या होगा, कितना मिनट्स होगा। ओके, तो देखिए लो, 4 to 5 पहले मिनट हैंड को कहां रखो, 4 पे, ठीक है। अब ये रोटेट करेगा तो इधर में ना करेगा, इधर से करेगा, क्या राइट टू लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ऐसे मूव करेगा तो 4 to कहां जा रहा है, 9, तो 4 से आएगा 5 पे, 5 से 6 पे, 6 पे जैसे 9 पे, ये मूव करते करते कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। पहले सुई कहां थी, मिनट हैंड यहां पे थी, ये आवर हैंड नहीं है बाबू, सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, मिनट्स की बात कर रहा हूं। तो पहले 4 पे था, फिर मूव करते करते कहां आ गया, 9 पे। तो बताइए कितना मिनट्स के गैपिंग किया, तो यहां से यहां आने में 5 मिनट, फिर यहां से आने 5 मिनट, तो 5 5 10, और फिर यहां पे 5 15, और फिर यहां से 5 20, और फिर यहां से 5 25, तो 5 10 15 20 25 मिनट्स। कितना मिनट्स लिया बाबू, क्लियर? तो 25 मिनट्स यहां हो जाएगा, 25 मिनट्स, क्लियर? चलिए इसके आगे देखते हैं लोग, सी नंबर, सी में क्या है, 3 to 11, 3 to 11 जाएगा। अब इसको मिटाए, अब मिनट हैंड आपकी कहां है बाबू, 3 पे, तो ये है 3। मिनट हैंड कैसे रोट करा, 11 पे ले जाना है, तो 11 पे ले जाना तो इधर से आएगा ना, रिवर्स तो नहीं होगा, तो इधर से रोट करेगा, तो रोट करते करते कहां आ गया, यहां पे ऐसे, ठीक है। तो कितने मिनट्स का गैपिंग हुआ, तो 5 5 10, यहां से यहां पे आएगा 5 5 10, 5 15 20 25 30 35
40 कहां पे चला जाएगा, एलिवेट पे। कितना मिनट्स का रैपिंग होगा, 40 मिनट्स का, ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर 5 to 11, तो आपके मिनट्स भी कहां पे रहेंगे, 5 पे, ठीक है। तो ये है 5, कहां पे लेकर जाना, 11 पे, तो ऐसे रोट करेगा ना। तो ये मूव करते करते सुई अब यहां पे आ गई, तो ये सुई अगर यहां पे मूव करते आ गई तो कितना मिनट्स की गैपिंग, 5, यहां से यहां पे 5, 10, 5, 15, 20, 25, 30, कितना मिनट का लगा वो, 30 मिनट्स का। उसके आगे आपका मिलाते चलिएगा, लोग जिनका सही है वो सही कर लेंगे, जिनका गलत है वो सुधार करेंगे। अगला 6 to 10, सिक्स यहां पे, और सिक्स से रूट करके कहां चला गया वो, 10 पे यहां पे, तो इसको ऐसे मूव किया, ठीक है। तो 6 to 10 गया, तो यहां से यहां पे 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, कितना मिनट्स का गैपिंग करेगा बाबू, 20 मिनट्स का, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एफ, एफ में क्या है, 7 to 12, 7 to 12, फिर देखो पहले क्या है, मिनट्स हुई यहां पे 7 पे, अब ये रोट करते करते घूमते घूमते कहां चला गया, 12 पे, यानी यहां से यहां पे आ गया, कितना, यहां से यानी 5 मिनट 10 मिनट 15 20 25, यानी 25 मिनट्स। एक बार सारा देख लीजिए और मिला लीजिए, बी सी डी ई एफ तक, क्लियर। उसका तो हम लोग करेंगे जी एच का, ठीक है। जी नंबर, जी नंबर क्या है बाबू, जी नंबर है आपका 1 to 12, 1 to 12, मिनट की सुई कहां है, 1 पे। अब ये रोट करते करते घूमतेगा, तो घूमेगा तो 12 पे आएगा, 12 पे क्या, यहां से यहां पे आ गया, तो क्या ऐसे आ गया, हाँ ऐसे आएगा, तो 5 मिनट का गैपिंग होगा, ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे मूव करेगा, क्योंकि घड़ी की सुई कैसे मूव करती है, इधर से राइट टू लेफ्ट, तो इधर से मूव करते 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 महाराज साहब यहां आ गए, जब यहां आ गए तो कितने मिनट घूम गए, तो यहां से यहां आने में 5 मिनट, फिर यहां आने में 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, कितना मिनट, 55 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट एच, दैट इज लास्ट क्वेश्चंस, 3 to 7, 3 to 7 जाने में कितने मिनट्स के गैपिंग, ये देखिए 3 to 7, तो मिनट एंड 3 पे, और 3 से मूव करते करते कहां आ गया, 7 पे, 3 से 7 पे आ गया, 3 से कहां आ गया बाबू, 7 पे, तो 3 से 4 पे आ गया, 5, 10, 15, 20, कितना मिनट्स की गैपिंग, 20 मिनट्स की, ठीक है। कितने मिनट्स का गैप हुआ बाबू, 20 मिनट्स, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5,
इससे पहले बाबू हम लोग देख रहे थे मिनट हैंड्स के, अब हम लोग देखेंगे आवर हैंड, ठीक है, घंटे वाली सुई के। चलिए अब आवर हैंड घुमाएंगे यानी घंटे की सुई। तो घंटे की सुई बोल रहा है मूव फ्रॉम 12 टू 6, पहले आवर हैंड कहां पे था 12 पे, और 12 से मूव करके कहां गया 6 पे, तो ये ऐसे घूमते घूमते यहां आ गया। पहले घंटे की सुई कितनी थी 12 पे, अब ये कहां पे आ गया 6 पे। तो बोला है द आवर हैंड टेक्स डॉटेड आवर्स टू मूव फ्रॉम 12 टू 6, यानी 12 से 6 पे आने पे घंटे की सुई कितने घंटे गई। मैं बोलूं कि बाबू बताइए घंटा, अगर 12 बज रहा हो तो 2 घंटे के बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, 1 2। तो वैसे ही यहाँ पे 12 पे सुई है घंटे की और मूव करते करते 6 पे आ गया, तो काउंट करो 1 और, यहां से यहाँ पे आने में 12 से 1 पे आने पे 1 और लगेगा, तो यहां से आएगा 1 2 3 4 5 6, कितना और लेगा बाबू 6 आवर, 6 घंटा लेगा, 1 घंटा यहां से आने में 1 घंटा, फिर यहां से आने में 1 घंटा, फिर यहां से यहां में आने में 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर यहां, फिर 1 आवर, 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 काउंट कीजिए, यहां से आने पे 1 घंटा लेगा ना, तो 12 से 1 के बीच में 1 घंटा, फिर 1 से 2 के बीच में 1 घंटा लेगा, फिर 2 से 3 के बीच में 1 आवर लेगा, फिर 3 से 4 के बीच में 1 आवर लेगा, 4 से 5 के बीच में 1 आवर लेगा, फिर 5 से 6 पे आने पे 1 आवर लेगा, तो टोटल कितना आवर लेगा 1 2 3 4 5 6 आवर लेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन बी, द आवर हैंड टेक्स डॉट डॉट आवर्स to move from 3 to 9। अब फिर आवर हैंड अगर मूव करे, क्या आवर हैंड कहां से कहां 3 to 9 मूव करना है, 3 to 9, तो सपोज करो आवर हैंड कहां है 3 पे, ठीक है, और ऐसे मूव करते करते कहां पे आ जाए 9 पे, तो बताइए कितना आवर लेगा ऐसे मूव करते। तो फिर देखो यहां से आने में 1 आवर, फिर यहां से आने में 1 आवर, फिर यहां से यहां पे 1 आवर, फिर यहां से यहां पे आने में 1 आवर, फिर यहां से यहां पे आने में 1 आवर, फिर यहां से यहां पे आने में 1 आवर, कितना आवर लेगा 1 2 3 4 5 6 आवर, कितना आवर लेगा फिर 6 आवर। समझ में आया, बोलिए बच्चों आया ना समझ में, देखो यहां से आएगा तो 1 घंटा लेगा ना, फिर यहां से आएगा 1 घंटा लेगा, फिर यहां से यहां पे आएगा 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा करके पहुंचे, यानी कितना लेगा 6 आवर। और यहां पे एक और चीज समझ लो बाबू, यहां तो 6 आवर लेगा, एक और चीज समझो, अगर आवर हैंड यहां पे है और इसके ठीक अपोजिट आवर हैंड है ना, तो वो टोटल 6 घंटा लेगा, इसलिए घंटा लेगा 6, क्योंकि पूरे डे में कितना हो जाते हैं 1 क्लॉक में, पूरे घड़ी में कितने घंटा की घड़ी होती है 12 घंटे के, दिन भले 24 घंटे का होता है लेकिन घड़ी जो होता है 12 घंटे का होता है, तो 12 अगर सामने सामने है तो इधर से इधर आने में 6, फिर इधर से इधर आने में 6, 12 पूरा हो जाएगा, तो अगर सामने सामने है तो 6 घंटे लेगा, ऐसे क्यों ना हो, फिर इसके अपोजिट में क्यों ना हो, ठीक अपोजिट होगा तो भी 6 ही घंटे लेगा,
या आपकी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ 11 पे, और फिर इसके अपोजिट अगर 5 पे हो तो भी 6 ही घंटा लेगा। सही है ना, अपोजिट अगर हो तो 6 आवर लेगा। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन, आप लोग कीजिए तो थोड़ा सा। चलिए बुक निकालिए, पेज नंबर जल्दी से 163 का पेज नंबर का आप लोग सी नंबर खुद से बताइए तो क्या होगा। द मिनट हैंड टेक्स वन कंप्लीट राउंड राउंड ऑफ द क्लॉक इन डॉट डॉट मिनट्स और डॉट आवर्स। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बोला है द मिनट हैंड टेक वन कंप्लीट राउंड ऑफ द क्लॉक इन डॉट डॉट मिनट्स और डॉट डॉट आवर। अगर मिनट की सुई है, मान लो कि ये मिनट की सुई है, ठीक है, और ये कंप्लीट राउंड लेता, मान लो ऐसे घूमते 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 फिर यहीं पे आ जाता है। समझ रहे हैं ना, अगर ये मिनट हैंड है और घूमते घूमते क्या कर रहा है, फिर यहीं पे आ जा रहा है मिनट हैंड, तो टोटल कितना मिनट लेगा। तो फिर देखो ये टोटल कितना मिनट लेगा, कैसे पता चलेगा, ये मैं बता रहा हूं। ये ऐसे घूमते घूमते यहां पे आ गया, फिर देखो तो फिर यहां से जब चलेगा तो फिर यहां से यहां आने में पांच मिनट, फिर यहां भी 5 मिनट। तो देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 कितना मिनट लिया टोटल, 60। 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में ये था तो हो गया 55 और इन दोनों के बीच में फिर 5 मिनट्स, यानी टोटल कितना लिया 60 मिनट्स। कितना मिनट लिया बाबू, वन राउंड कंप्लीट करने में, एक चक्कर मिनट की घड़ी की, मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना लग गया 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना घंटा होता है तो 1 आवर होता है, तो लिख लोगे यहाँ पे 1 आवर। ठीक है ना, वैसे ही आप लोग बताइएगा डी का, मैं डी का बता देता हूँ। द मिनट हैंड टेक्स डॉट डॉट मिनट्स टू मूव फ्रॉम वन लॉन्ग डिविजन टू अनदर। कारण मिनट हैंड मान लो कहीं भी हो, मिनट हैंड कहीं भी हो, ठीक है, मान लो कि मिनट हैंड यहां पे हो और फिर यहां से यहां पे अगर एक ले डिस्टेंस, यहां से फिर कहां आ जाए, यहां पे आ जाए, ठीक है, तो कितना देर लेता है, तो वन से वन गैपिंग करने में, यहां से यहां जाने में या यहां से यहां जाने पे, एक बार वो ट्रेवलिंग कर रहा है, वन से टू पे आता है या बारह से वन पे आता है, बारह से वन पे आए या वन से टू पे आए या टू से थ्री पे आए, किसी दो के बीच में, फोर या फाइव, फोर थ्री या थ्री टू या टू वन या ट्वेल्व वन, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर वन ट्रैवलिंग कंप्लीट करता है, ठीक है, अगर मिनट हैंड यहां से अगर ट्रैवलिंग करके यहां आ जाता है तो वो 5 मिनट लेगा। कितना मिनट लेगा बाबू, 5 मिनट्स। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन डी का आंसर, मैं ही क्वेश्चन टोटल लिख रहा हूं, सिर्फ आंसर बता देता हूं, ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर एक मिनट हैंड क्या करें, वन प्लेसिंग करें तो वो 5 मिनट लेता, उससे ज्यादा नहीं लेगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ डॉट डॉट एन आवर डॉट डॉट मिनट्स बिटवीन क्वार्टर पास्ट थ्री एंड क्वार्टर फोर, क्वार्टर टू फोर, करेक्ट, क्वार्टर पास्ट थ्री, क्वार्टर पास्ट थ्री यानी 3:15 और क्वार्टर पास्ट फोर, तो कितना घंटा लेगा, तो आधे घंटा लेगा, हाफ, ये ना है हाफ एन आवर, हाफ एन आवर कितना मिनट होता है, 30 मिनट्स होता है। समझ में, इस तरह से ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले डे मंडे को वीडियो नंबर 83 के साथ। क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद।